अस्सलाम वालेकुम, आप सब ठीक है? मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग होने जा रहा है पार्क का। तो मेरा दिल कर रहा था कि मैंने पापा को कहा ना कि हम तो पार्क चलते हैं, मेरा दिल भी था और पापा की आज छुट्टी भी थी, तो मैंने कहा चलो पार्क चलते हैं, कोई एंजॉय करते हैं कुछ। तो हम घूम रहे थे तो हमें जी पार्क मिल गया। तो फिर हम इधर पे गए, सही मजा आया। तो पहली बात तो मेरी आपको यही होती है कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दें, हर यूट्यूबर की यही होती है कि हाँ लाइक सब्सक्राइब कर दें। तो ये एक्सरसाइज की जगह थी और ये मैं हूँ और ये मेरे पापा हैं और ये पार्क है, यहाँ पे पार्टी चल रही है। ये मैं रुकी हुई थी कि कहाँ कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे इंटर होता है तो साथ ही एसी लगा होता है, क्योंकि कतर में ना बहुत गर्मी होती है ना, तो एसी ज़रूरी है, हर जगह पे एसी लगा होता है। तो यहाँ पे एसी था तो हम आहिस्ते आहिस्ते चलते गए और पार्क मिल गया। तो फिर हम यहाँ पे खेल रहे थे, ये भी चैलेंजेस पार्क जैसा है, मतलब दो पार्क है ना, उस चैलेंजेस पार्क नहीं है उसका नाम, बस मैंने बनाया हुआ है उस पार्क का नाम, तो इस पार्क का नाम भी मैंने चैलेंजेस पार्क बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं खेल रही थी, ये वो पिंक वाली शर्ट वाली मैं क्या हूँ, ये थी मैं, और यहाँ पे मैं डर डर के चल रही थी, लेकिन ईजी था क्योंकि तब मैं छोटी थी ना, तब छोटी, अभी भी हूँ छोटी, ये नहीं कि हाँ अभी मैं बड़ी हूँ, अभी भी छोटी हूँ, तो छोटे तो डरेंगे ही। तो यहाँ पे मैं आ गई, तो यहाँ पे मैं जब गई हूँ तो मुझे इतनी बच्चों वाली सीट मिल गई, ये वो क्या होता है जो जिस पे आगे स्टैंड लगा होता है, वो वाली मिल गई मुझे। तो यहाँ पे हम झूला ले रहे हैं, एक झूला खाली था लेकिन मैं दूसरे झूले में थी। तो हम यहाँ पे खेल रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, लेकिन गर्मी भी लग रही थी, तो वहाँ पे पानी की भी मशीन थी ना, तो वहाँ से हमने पानी भी पी लिया। तो ये देखिए मुझे छोटे बच्चों वाली सीट मिल गई है, ऐसे मिल गई, तो खैर मिल तो गई ना। फिर हमने गए, फिर यहाँ पे लाइट मिल गई, तो हमने यहाँ पे गए, और पहली दफ़ा मैं डर रही थी तो मैंने ऐसे में कर लिया, पापा ने मुझे चढ़ा दिया, फिर अगली दफ़ा मैं खुद चढ़ी, इतना मज़ा आ रहा था, लेकिन 10 घंटों में चढ़ रही थी मैं तो, क्योंकि मैं अभी छोटी हूँ ना, तभी छोटी हूँ, छोटी तो होंगी। तो अभी हम जा रहे थे तो यहाँ पे जंपिंग आ गई, तो हमने जंपिंग करने लग गए, मैं ना हमेशा ना जंपिंग में स्लो हूँ, तो ना ये हुदा करती है ना जंपिंग, तो ना मैं ना हमेशा गिर जाती हूँ, वो तेज करती है ना तो मैं हमेशा गिर जाती हूँ। पापा कह रहे थे ऐसे पकड़ के चलना, ऐसे पकड़ के मैं चली, और फिर यहाँ पे सीधा चली, लेकिन ऐसे लग रहा था पीछे से मैं स्लाइड करके गिर जाऊँगी, तो फिर भी सही हो गया। तो फिर आगे गई हूँ चैलेंजेस पर गए, तो फिर हम गार्डन में आ गए, फिर जब गार्डन में आया तो खुली सांस ली, मतलब खुली हवा ली, तो फिर हम आए आगे गए, तो दो और पार्क हमें मिल गए, मतलब ऐसे पार्क होता है ना कि हाँ एक सबसे बड़ों का होता है, एक नॉर्मल बच्चों का होता है, एक सबसे छोटे बच्चों का पार्क होता है। तो फिर से हम एसी वाली जगह पे आ गए, और ऊपर पे छत लगी है ताकि धूप ना लगे, तो बहुत अच्छा होता है, एसी भी बहुत अच्छे से काम कर रहा था, पाकिस्तान में तो हम नहीं लगा सकते क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पर ऑलरेडी होता है, यहाँ पे ना लगाना पड़ता है पाकिस्तान में खुद, कतर में हर हाउस में खुद ही लगा होता है, चाहे हम कह भी ना फिर भी लगा ज़रूर होता है, और वहाँ कतर में ना मतलब पंखे नहीं चलते। और यहाँ पे सबसे छोटे बच्चों का पार्क आ गया, तो यहाँ पे हम जाएंगे, हम बागी बागी आ रही हूँ, और इस एनिमल का नाम क्या है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ना मुझे खुद भी नहीं आता इसका नाम, पता नहीं क्या नाम होता है, आप कमेंट करना जिसको पता है, अगर आपने इसका नाम बता दिया ना तो आप ना जीनियस होंगे, सच्ची में आप जीनियस होंगे। तो अभी हम खेल रहे थे, फिर गर्मी भी लग रही थी, फिर से हम ऐसी वाली जगह पर आ गए कि हाँ हमें हवा लग जाएगी, बहुत मज़ा आ रहा था हमें, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि हम फेर रहे थे, इन्जॉय कर रहे थे, तो मज़ा तो आएगा ना। वैसे आप कमेंट करें आपको ना कतर में कौन सी जगह आप सबसे पहले जाएंगे, आपका क्या दिल है, हमारे व्लॉग्स देखे हैं ना, तो आप कहाँ जाएंगे कतर में सबसे पहले तो बताएं। तो अभी कमेंट कर दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब भी कर दो। तो ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे स्टैचूज बने हुए हैं बेबीज के, और यहाँ पे सारा हॉस्पिटल है, इतना बड़ा सा है, और यहाँ पे बेबीज के स्टैचू, पहले इतना दूर लग रहा था, अभी इतना नज़दीक हो गया, कितने बड़े बड़े बनाए हैं, इतने बड़े बड़े। तो मैं आपको ये बता दूँ कि है ना,
कतर में ना सिग्नल्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो जरूरी काम पे ना जल्दी जल्दी जाना होता है, तो खाली जगह पे जाना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ट्रैफिक भी होता है और यहाँ पे ना सिग्नल्स बहुत ज्यादा होते हैं, हर टाइम भी ज्यादा लेते हैं, तो ना एहतियात से चलना, क्योंकि ये अगर काम होना पे बहुत टाइम लग जाता है सिग्नल्स की वजह से, एक कदम लो सामने ही सिग्नल, तो इस पे ना हम सर बड़ा ज़्यादा हंसते हैं। और पापा की ना गाड़ी ना हमेशा ना टंग टंग करती है, मैं बताऊँ क्यों, वो बेल्ट कहती है कि बेल्ट पहन लो, बेल्ट बेल्ट ज़रूरी होती है ना, मतलब ज़्यादा ज़रूरी होती है ड्राइविंग के वक्त में, तो ये हम जा रहे थे। और वैसे मैंने ये चीज़ भी बता रही थी कि ना हम ना यहाँ पे ना कतर में ना हर जगह पे गार्डन होता है, रोड के साइडों पे भी गार्डन होता है, देखिए ऐसा लग रहा है पार्क है, लेकिन ये पार्क है लेकिन गार्डन जैसा है, लेकिन मतलब थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन होता हर जगह पे है गार्डन, बहुत मज़ा आता है ना, मतलब गार्डन तो हमारी सेहत के लिए अच्छा भी होता है ना, वो सांस देती है। और फिर अभी ट्रैफिक आ जाएगा कुछ ही देर में, फिर सिग्नल्स आ जाएंगे, फिर जी तबाही मच गई। ये देखे सिग्नल्स आ गए, हरी वाली गाड़ी क्या है ये ना कतर में ज़्यादा चलती है ज़्यादातर, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दे प्लीज़, अभी कर दे जल्दी से, कर दे जल्दी से, मतलब थ्री तक गिनती हूँ, 1 2 3 अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।